we have to start with the went off factor. Went off in 1880 में जो है went off introduce a factor that is known as went off factor I. It is the ratio of experimentally observed colligative property and calculated colligative property or normal colligative property. So here in this case, if it is written normal molar mass, or it can be related with the molar mass also, normal molar mass to the abnormal molar mass, that is experimentally observed molar mass. So try to learn one thing only: observed colligative property divided by calculated colligative property, or normal or calculated molar mass upon the observed molar mass. So try to learn one thing, children. Other you can also, you can, it will be all, obviously you can learn the other thing, because that is opposite to the first one. So I is the total number of moles of particles or molecules after association or dissociation, and number of moles of particles, total number of moles of particles taken, that is before association or dissociation, mean total number of molecules taken. Now अब इसमें जो है, बिकॉज ऑफ दिस आई फैक्टर इट वॉज इंट्रोड्यूस, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आई एन टू अपॉन एन वन और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी बी के बी एम था, आई वॉज इंट्रोड्यूस, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी और एन टू अपॉन वी आ गया, वॉल्यूम आ गया. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड टू द वॉल्यूम बिकॉज सी इज द कंसेंट्रेशन, सो आई सी आर टी ऑल्सो. इन दिस केस हमारे पास जो है आई जो है फॉर इट इज इक्वल्स टू वन फॉर द योर आइडियल सॉल्यूशंस वेयर नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस. आई इज मोर देन वन फॉर डिसोसिएशन. डिसोसिएशन होगी, फॉर एग्जाम्पल के सी एल हमारे पास पोटाशियम आयन क्लोराइड आयन में डिसोशिएट हो गया इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें जो टोटल मोलर मास ये था हमारे पास, अब उसके पास मोलर मास जो है वो कम हो गया, राइट, कैलकुल ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है कम हो गया. ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, नॉर्मल ज़्यादा है, सो इट मीन्स आई विल बी मोर देन वन. इट कैन बी रिलेटेड विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो. यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो गए, सो नंबर ऑफ आयन्स आर मोर, सो इट मीन्स हमारे पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर, सो इट मीन्स वी कैन से द आई विल बी मोर देन वन फॉर डिसोसिएशन. आई इज लेस देन वन फॉर एसोसिएशन. एसोसिएट हो जाएंगे अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया वो एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल हैं ये और ये एक में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए. व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, इट मीन्स नॉर्मल जो है हमारे पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, नॉर्मल हमारे पास ज़्यादा है, सो इट इज़ ऑलवेज लेस देन फॉर एसोसिएशन. दिस इज फॉर द वेंट ऑफ फैक्टर. नाउ वेंट ऑफ फैक्टर जो है दैट इज रिलेशनशिप, इट हैज़ बीन गिवन द रिलेशनशिप ऑफ आई एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. इट इज़ डिनोटेड बाई एल्फा एंड दिस इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. अब एसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट्स एसोसिएटेड एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन. इन केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन. सपोज वन मॉलिक्यूल जो है दैट गेट डिसोसिएटेड इनटू एन नंबर ऑफ आयंस. नाउ वी आर टेकिंग, सपोज वी आर टेकिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे, वन से एन बन रहा है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन अल्फा जो है नंबर ऑफ मोल्स विल बी फॉर्म्ड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन वन, वन माइनस अल्फा उतने रह गए हमारे पास. टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये तो अनडिसोसिएटेड पार्ट है और डिसोसिएटेड पार्ट है, टोटल हमारे पास प्रेजेंट होंगे. आई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन एंड आफ्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, राइट. इन दिस केस वी कैन से दैट द
नाउ इन दिस केस आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, आई क्या हमने बोला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब है हमारे पास आई क्या हो जाएगा, आई विल बी 1 - α + nα / 1 राइट. नाउ आई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - α + nα, अल्फा जो है हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अल्फा जो है कॉमन ले लिया हमने, सो ये बन गया हमारे पास n-1, अल्फा कॉमन आ गया हमारे पास i-1, सो अल्फा व्हाट विल बी अल्फा, i-1/n-1 फॉर डिसोसिएशन. वी कैन फाइंड आउट द डिसोसिएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज i-1/n-1. This is for the dissociation. Now, in case of association, association के लिए क्या है हमारे पास कि suppose n molecule of electrolyte get associated to form, for example, A के number of n molecules जो है A get associated to form one molecule. It may be two or it may be any. Alpha क्या है हमारे पास, degree of association है. Suppose we are starting with the one mole of electrolyte of A. ए का हमने 1 मोल लिया, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल्स कितने हो गए, अल्फा अपॉन एन, कितने एसोसिएटेड हुए, कितने डिग्री ऑफ एसोसिएशन है हमारे पास. अनडिसोसिएटेड मोल्स क्या, 1 में से हमने अल्फा को माइनस कर दिया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को माइनस कर दिया. टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन एक अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में टोटल हमने ऐड कर दिया, सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन. आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एसोसिएशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. आई क्या है, 1 - α प्लस ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए डिवाइडेड बाई द एन, सॉरी 1 इज द टोट बिफोर association, that is one mole of electrolyte was taken. So I minus 1, that becomes 1 - α + α/n, right? Now alpha can be taken as common, ठीक है, हमने alpha को common ले लिया, so that becomes 1/n-1, right? So alpha जो है that becomes, this is I minus 1 is equal to alpha 1/n-1, so alpha जो है that becomes i-1/1/n-1, this is for association. This is important, both the things association as well as dissociation, because on the basis of these sometimes numericals comes in the examination, so please try to understand, and if you have any query, you can ask me, right? Thank you.